आज के आधुनिक युग में जहां घास और मिट्टी से बने खेलकूद के मैदान की जगह टर्फ ने ले ली है, तो वहीं आज मिट्टी से जुड़े खेल कुश्ती जिसमें ग्रामीण अंचलों में से दंगल कहा जाता है। ये खेल शहर के मुहाने पर बसे जलालपुर के युवाओं का शौक है। पुराने जमाने से ही गांव में एक से बढ़कर एक पहलवान हुए हैं, लेकिन आज के दौर में इस खेल को परंपरागत तरीके से किया जा रहा है। जाने माने पहलवान अपने दांव पेच दिखा रहे हैं। खास बात तो यह है कि युवा इस कुश्ती में देश भर में अपना नाम कमा रहे हैं और लड़कियां भी दंगल में पीछे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना हक परचम लहराने के बाद जलालपुर में हो रहे कुश्ती आयोजन में दो दो हाथ दिखा रहे हैं। दरअसल ये आयोजन भुरभुरी मिट्टी का मैदान बनाकर पिछले 30 सालों से जलालपुर गांव के पूर्व सरपंच और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के द्वारा किया जाता है। समय बदलता रहा, लेकिन यहां के युवा पहलवानों का गजब का दमखम देश ही नहीं विदेशों के में भी लोगों को देखने को मिला है। इसी जलालपुर गांव के हिसाब जमी से गगन नाम के युवा ने मध्य प्रदेश के केसरी का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड फिल्म दंगल में काम कर इलाके का नाम रोशन किया है। देश के अलग अलग कोनों से कुश्ती के आयोजन में पहलवान आते हैं। इस बार आयोजन किया जाएगा तो एक कुश्ती का स्टेडियम बना हुआ नजर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की मुखिया शिवराज सरकार भी गांव गांव में प्रतिभाओं को स्थान देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि जलालपुर में चल रहे कुश्ती आयोजन में लड़कियां पीछे नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी ख्याति बिखेरने वाले कुश्ती खिलाड़ी रानी राणा भी यहां पर पहुंची। उनके साथ कई फीमेल खिलाड़ी भी दो दो हाथ आजमाने मैदान में उतर आई हैं, जिससे सीधे तौर पर पूरे प्रदेश में ये संदेश जाता है कि गांव की लड़कियां किसी से कम नहीं है। खास तौर पर किए जा रहे इस आयोजन को देखते ग्वालियर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तो आ रहे हैं, साथ ही देश के अलग अलग राज्य से आने वाले पहलवानों के दांव पेच का लोग आनंद उठाते हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, मैं दंगल में मेरा आने का उद्देश्य यही है कि लड़कियां जब ज्यादा से ज्यादा आगे आए और इस भीड़ देखते गाँव का माहौल है, लगता है लड़कियों को कोई क्या सोचेगा गाँव का माहौल, लेकिन इस चीज को नजरअंदाज करते हुए मैं इस दंगल में आई हूँ कि सोच बदलेगी, जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक सोच कैसे बदलेगी और लड़कियां गांव की बाहर कैसे आएंगी। इतना एक दम रहती है गांव की लड़कियों में, पावर रहता है। मैं भी एक गांव से ही हूँ और मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि आगे आगे से ज़्यादा लड़कियों को मैं भी लड़कियों को लेके आऊँ आगे, क्योंकि तो अभी मेरा चल रहा है, मैं भी खेल रही हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि लड़कियों वाले की बहुत मिलेगा, क्योंकि लड़कियाँ कितनी सारी आई हैं देखो ना, इसी वजह से आज कुछ लड़की ने भाग लिया है यहाँ। बिल्कुल ये लड़ने ही आई है सारी और लड़ेंगी भी है, तो यही है कि ये तो लड़कियों को रास्ता मिलता है तो बिल्कुल वो करके दिखाई हूँ, मैं भी इसी का हिस्सा हूँ।